देखा स्ट्रिंग और इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं, तो फिर आज हम देखेंगे कैरेक्टर और फ्लोट इनपुट। तो मैं लिखूंगी n2 फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर प्रिंट n2, इसको रन करके हम देखते हैं। मैं डालू सपोज के 12.9 आ गया, मैं डालू 12, फिर भी रन होगा क्या? काउंट कैसे करेगा? 12.0, ठीक है। ये फ्लोट, अभी हम देखते हैं कैरेक्टर। सी कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए हमें आगे लिखना पड़ेगा ओ आर डी इनपुट एंटर एनी कैरेक्टर। मैं लिखूंगी प्रिंट सी, अभी हम रन करके देखते हैं। मैंने डाला पी, आंसर क्या आया? 80। अभी 80 क्या है? 80 है पी की आस्की वैल्यू। क्या है आस्की वैल्यू? ऐसे सभी कैरेक्टर की खुद की आस्की वैल्यू होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे स्कूल में या कॉलेज में कैसे आपका नाम कोई आईडी या रोल नंबर से सेव होता है, सेम सभी कैरेक्टर खुद की आस्की वैल्यू से सेव होते हैं। अगर मैं डालूं सपोज के स्मॉल जेड, तो इसकी आस्की वैल्यू है 122। मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर डालूं डॉलर, इसकी है 36। अभी आपको लगेगा मैंने कैरेक्टर इनपुट लिया है तो मुझे आउटपुट में कैरेक्टर ही चाहिए, मुझे कोई आस्की वैल्यू नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट, आगे मैं लिखूंगी सी एच आर देन सी पी, आ गया आउटपुट में पी। बी सी एच आर क्या करेगा? आस्की वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके देगा। अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को आस्की वैल्यू का इनपुट लेना है और आउटपुट में मुझे कैरेक्टर चाहिए। आस्की वैल्यू किस में होगी? इंटीजर में होगी। मैं इधर लिखूंगी सी इंटीजर इनपुट एंटर एनी आस्की वैल्यू। अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगी तो क्या होगा? 11 के 11 ही आएगा। आगे क्या लिखना पड़ेगा? सी एच आर सी। सपोज 122 जेड, अगर मैं डालूं 67 सी, ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया? कैरेक्टर का इनपुट लिया, प्रिंट सी ने क्या किया? आस्की वैल्यू दी, प्रिंट सी एच आर सी ने कैरेक्टर दिया। फिर हमने क्या किया? आस्की वैल्यू का इनपुट लिया, वो इंटीजर में होता है, और प्रिंट क्या किया? कैरेक्टर, ठीक है। तो ये चारों इनपुट हमारे कंप्लीट हुए, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर और स्ट्रिंग। मेनली इंटीजर और कैरेक्टर का ही यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम थोड़े क्यू एंड ए देखते हैं। तो फर्स्ट है टेक लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट मैं लिखती हूँ एल इंटीजर इनपुट एंटर लेंथ, डबल्यू इंटीजर इनपुट
enter width. अब भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, तो मैं लिखूंगी एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू. फिर प्रिंट किसको करवाएंगे, प्रिंट एरिया. अगर आपको ये एरिया को सेंटेंस में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट माय रेक्टेंगल एरिया इज, अभी एरिया क्या है, वेरिएबल है, लिखेंगे कॉमा देन एरिया. ठीक है, लेंथ बार लेंथ हम डालेंगे 12, विड्थ 89. आ गया माय रेक्टेंगल एरिया इज 1068. ठीक है, कुछ भी वेरिएबल को प्रिंट कराना हो तो हम कोमा के बाहर वेरिएबल का नाम लिख देंगे. ये कंप्लीट हो गया. सेकंड क्या है, टेक थ्री आस्की वैल्यू फ्रॉम इनपुट एंड डू सम एंड प्रिंट रिजल्टेंट कैरेक्टर. ठीक है, थ्री आस्की वैल्यू लेनी है मेरे को, एन वन इंटीजर इनपुट एंटर आस्की वैल्यू. सेम मैच दोबारा करेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसका सम, देखो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ. फर्स्ट क्या किया, डायरेक्ट करेक्टर को प्रिंट करवाया. सेकंड क्या करेंगे हम, एडिशन को फोर्थ वेरिएबल में स्टोर करेंगे देन प्रिंट करेंगे. दोनों सेम ही है. ट्वेल्व फिफ्टी सिक्स फोर आ गया एच एच. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे.